पास भेटते थे, तो उन्होंने मुझको टालीगंज में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आईटीसी संगीत रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ के बड़े बड़े जितने लोग थे वो सब मुजुमदार साहब के पास आते थे दिखाने के लिए। जिस नवाब साहब का हम बात कर रहे थे वो भी थे वहाँ, और हिंदुस्तान के गिने चुने लोग जो गाने वाले भी हैं तो बजाने वाले भी थे, वो सबको आईटीसी कंपनी में ला के वहाँ रिसर्च करवाते थे गाने के ऊपर, राग के ऊपर। हमको वहाँ एज ए फिजिशियन डिप्यूट कर दिया सर ने कि तुम जाओगे इन लोग को देख लोगे, जो मेरे पास नहीं आ सकता तुम वहीं देख कर छोड़ दो। वहां मैंने ऑब्जर्व किया लोगों का केस, तो यही मार्क किया कि सबके सब ओवर स्ट्रेन है और कोई भी किसी को अपने से ऊंचा नहीं सोचता है, सब नीचे है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ऐसे बोलते ओ फलाओ सादा खान साहब, अरे क्या बात था उनका, लेकिन मुंह से नहीं बोल रहा कि वो थोड़ा नीचे ये करके अरमान निकाल लेता था। वहां मैंने बात किया बहुत करीब रहे गिरजा देवी से, बहुत मशहूर ये ठुमरी गाने वाली हैं, बहुत मशहूर, बनारस के रहने वाली थी। उसके बाद निसार खान साहब, बड़े लोगों में, और हीराबाई बरोदकर, उस बहुत बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन उस्ताद करीम खान साहब की बेटी थी। करीम खान साहब का एक घराना है, अलग घराना है गाने का, उसके अभी मशहूर गाने वालों में अभी जो है उनका नाम है भीमसेन जोशी, उसी घराने के, लेकिन ये थोड़ा कड़कर कड़कर बोलते हैं। करीम खान साहब को बहुत प्यारी बहुत मीठी आवाज, इन लोग तो ऐसा लगता है गाते वक्त कि किसी को मार रहा पटक रहा लड़ रहा ऐसे करके, वो रात जैसे बोलते टांग ने तो हाथ से भी टांग के दिखाते, बड़ा कोफ्त लगता है। म्यूजिक में नाजुकी होनी चाहिए। मैं वहां जाता था देखता था, ये बैकग्राउंड आप लोग देखते, और थोड़ा इन लोगों में विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दिस जनरल फीचर्स ऑफ आवर क्लासिकी संगीत, ये जो थोड़ा उठक पटक वाली बात जो है ना, इसकी टानी उसकी टानी ऐसा रहता था, हमने ऑब्जर्व किया। तो वहां से मेरा कोका का प्रिस्क्राइबिंग शुरू हुआ, बहुत लाज, और सब परेशान थे, सिम्टम कुछ पूछता नहीं, खाली दे देता है कोका, सबको कोका सबको कोका, अरे सभी कोका है तो क्या दे, खत्म हो गई बात वहां से। उसके बाद हम छोड़ दिए, एक दिन गुस्सा में आके छोड़ दिया, फिर गए नहीं, सर से अपोलॉजी मांग लिया, हम कहने यहां उनके यहां सब फॉल्स दिखावेगा, आपने बहुत मेहनत की, आप अपने अपने एक आर्ट के फन के माहिर हो, इंसान तो रहो पहले, वो इंसानियत अपना बेच देता था, तो बहुत बुरा लगता था, हमको छोड़ दिए। फिर उसके बाद मेरा कोका का प्रिस्क्राइबिंग भी कम हो गया, क्योंकि अब पेशेंट ही नहीं वैसा, इक्का दुक्का कभी कभी कोई आ जाता था। दूसरी बार मैंने देखा कोका की ब्यूटी भोलादा के पास, डॉक्टर बी एन चक्रवर्ती के पास, स्पेशली सेक्सुअल इंपॉर्टेंसी इन डायबिटीज मेलेटस, वो कोका देते थे, लिख के दे देते थे कोका 200, किसी को दो डोज देते थे, किसी को चार डोज दे देते थे। तो उसके बाद से ऐसे कुछ केसेस हमको मिले जिसमें मैंने कोका यूज किया। अब हम कोका का जो मिस, हाँ ये देख वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ा दिया करो, ये मॉस्कस फॉस्फोरिक एसिड एंड हिल नॉइस,
ये तीन और ड्रग था कि मैंने बोला था कुछ, जैसे कहा ये लोग इंटेंसिटी बहुत शानदार समझने वाले थे, बोला था मोस्टली कोका या फास्फोरिक एसिड देते थे, हेलोइन नहीं देखा हम लोग, आपके रेफरेंस के लिए मैंने रख दिया है। उसके बाद वो जो बुरा ने मॉरल सेंस वाली बात, वो आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा कोका के प्रिस्क्राइबिंग के लिए। ये लोग जैसे हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे छोटे हैं, थोड़ा मेरा नाम हो गया है तो बड़ा बड़ा ही होता है ना, तो हम लंगड़ी मारते हैं कि उस उनको नहीं बुलाया जाए, हम ही को बुलाया जाए। ये मॉरल सेंस कोका में बहुत बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है। हमने बहुत सारे उस्तादों को ऐसे देखा है, अपने आप को उठाने के लिए दूसरे को नीचे गिरा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, गवर्नमेंट के नज़र में उठने के लिए ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मॉरली नॉट साउंड। अब तुम दिखाओ कोका का, आप लोग ये देखिएगा नहीं, सब बात पहले वो फोटोग्राफ दिखला दो, पहले आप लोग खाली इतना देख लो कि कहां और कैसे स्टेन पड़ता है, वो हम देख लाने। एक मिनट बाद में इसको आप लोग बहुत अच्छा से देख लीजिए, इनका बजाना कहां से है, बजाना हाथ से है ना, लेकिन ये पूरा अंग अंग से बजाते हैं, वो आप जरा सा स्टेन देखना चेहरे पे बॉडी पे दिखला दो। बस बंद करो, ये दिखलाने का मकसद मेरा ये है, ये गले से नहीं गा रहा, हाथ से गा रहा है। मेरा एनालॉजी था जो कोका के केस में होता है स्ट्रेन, तो ज्यादा एनालॉजी जो लोग स्ट्रेन जो सिर्फ सिम्टम पढ़ने वाले होते हैं, वो चढ़ेगा आसमान पे पहाड़ पे कोई और काम, या फूकने का काम, या शहनाई बजाने वाले, हम दिखलाएंगे शहनाई बजाने जिसपे बहुत फूकना पड़ता है, ऐसे केस में कोका, और कोका के साथ वही हम सेंस ऑफ थोरल मोरल डिफिशिएंट। मैं जिन जिन लोगों के साथ बैठा हूं तकरीबन लोगों के साथ वो मोरल वाली बात मैंने दिखी, अरे उनकी बात करें क्या बात है, कहां तक बड़े बड़े की बात, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे, नाम नहीं बोलेंगे कहीं ये लोग लेके फिर उसके घर वाले पीछे नहीं पड़ जाएंगे। देख ला दूसरा दिखाओ, एक दो दिखला, हाँ देखो ये देखो इनका भी, ये भी आते थे वहां, मुंह अंग-अंग हिल रहा, और ये भी बहुत छोटे उम्र में बहुत ऊंची पलक मिलकर, तो बड़े बाप के बेटे थे ये, और भी इनके भाई हैं लेकिन वो लोग सब इस लाइन में नहीं आ पाए। तो कोका चढ़ने उतरने में फूकने का, हमने कोका की एनालॉजी ऐसे निकाली किसी भी अंग पे अगर जोर हो जाए, जैसे कि सेमीसिफ्यूगा बेलीज ऑफ द मसल्स, उस पर भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रिस्क्राइबिंग किए एनालॉजिकली। यहाँ कोका के केस में हमने ये देखा कि जो एरिया स्पेशली फूकने का काम, फूकने वाला क्या, माउथ ऑर्गन, बांसुरी, शहनाई, इन सबों के अंदर लंग्स के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, कोका उसके लिए द मेडिसिन। पता नहीं वो है कि नहीं, ये निकाल पाए कि नहीं, गिरजा देवी का था, और गले पे कैसा जोर पड़ता है,
दिखलाओ है और हाँ ये देखो, ये साउथ के बहुत अच्छे गाने वाले हैं। ये बांसुरी का देख दिखलाओ, बांसुरी वाले का दिखाओ, ये चौरसिया साहब है, ये केस दिखा दे। बिस्मिल्ला खान साहब का नहीं लिए थे और एक तो नहीं, हाँ एक दिखलाते हैं आपको फुटबॉलर को, जैसे पेले का दिखाओगे इसको वॉच करना, चेहरा से लेकर बॉडी, फुटबॉल खेलता है आदमी बॉडी से, चेहरा देखना वॉच करना। ये मेरा डोना का है, इसको नहीं देखो, चुटका दिखाओ, उसके बाद उसका फेस का एक्सप्रेशन देता है। हमने ऐसे, हमको भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉलर स्पेशली ईस्ट बंगाल के लोग आया करते थे, मुइनदार साहब की वजह से मेरी पहचान क्या थी, आते थे वो लोग और ट्रीटमेंट देते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता था, स्ट्रेन बहुत दौड़ने के बाद जाम होने लगता है। कोका इज वंडरफुल रेमेडी, वंडरफुल। उसके बाद गला पे स्ट्रेन, कोई मेडिसिन नहीं है, रिमेंबर वही थोड़ा सा बात, ये वाला ध्यान रखना, मॉरल सेंस। एक नया मेडिसिन हम आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग अपने केस में ट्राई करके देखिएगा। एक मेडिसिन होता है